हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये दो तरह के मार्केट्स के बारे में पढ़ा है। ये आप लोग जान रहे हैं कि ये दोनों ही मार्केट जो है ये अपने आप में जो है एक्सट्रीम कंडीशंस है मार्केट की। परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ फर्म्स का नंबर ज़रूरत से ज़्यादा है, बड़ी लार्ज नंबर में फर्म्स होते हैं और वे कंपटीशन करते हैं आपस में, एक जैसे बिल्कुल होमोजेनस प्रोडक्ट बनाते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं, जिसे कि हम परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा मार्केट आप लोगों ने जो कि ऑनर्स में पढ़ा है, जिसे कि और अभी तक आपने पीजी में भी पढ़ा है, मोनोपोली। मोनोपोली जैसा नाम से पता है कि इसमें एक ही फर्म होती है जो कि बिल्कुल यूनिक तरह का पदार्थ बनाती है। उसके निकट का कोई स्थानापन्न नहीं होता है, उसके निकट में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता है कि जिसको इसको कि सब्स्टिट्यूट किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में मोनोपोली जो होता है वो बहुत ही हाई प्राइस लगा सकते हैं अपने वस्तु का, उसका डिमांड के अनुसार। तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस आप पढ़ चुके हैं। आज बात कर रहे हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किस प्रकार उनसे भिन्न है? एक्चुअल में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है कई मोनोपोलीज हैं जो आपस में कंपटीशन करती हैं। तो हम लोग इसकी पहली विशेषता ये मान सकते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं, और जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस में भी जो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है कि जहाँ परफेक्ट कंपटीशन में वो एक जैसे पदार्थ बना रही थी, इसमें जो है पदार्थ में जो है डिफरेंशिएशन है, जो भी प्रोडक्ट हैं वो एक जैसे नहीं हैं। और इसको हम लोग जो है इस प्रकार पढ़ेंगे अब आगे कि जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। तो ये किस प्रकार से भिन्न हो गया? जब वो थोड़ा थोड़ा पदार्थों में वो निकट के स्थानापन्न है। सब्स्टिट्यूट कैसे हैं? वो ऐसे पदार्थ हैं जो कि आसानी से एक दूसरे से एक्सचेंज किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल में हम लोग जैसे देख सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, सोप है, जो कि काम एक ही करते हैं। टूथपेस्ट में जैसे हम लोग देखते हैं कई ब्रांड है मार्केट में, जैसे सोप में कई ब्रांड है मार्केट में, काम सबका एक है, वो एक ही काम करती हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ खास विशेषता है जिसके कारण उनका एक कंज्यूमर का ग्रुप बन जाता है, एक अपना एक जिसमें कि वो कंज्यूमर है कि वो खास ब्रांड को ही पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो उनका अपना पदार्थ पर कुछ न कुछ प्राइस पर कंट्रोल हो जाता है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं, लेकिन प्राइस इनका चूँकि अलग अलग वस्तु जो है, यूनिट जो है अलग अलग प्राइस पर बेच रहा है, इसलिए इनका जो AR MR कर्व है, मुझे लगता है इसके बारे में डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं कई बार कि AR MR AC MC कर्व्स की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग प्राइस की और डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, चाहे वो शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन में। तो आज हम लोग जो है शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में ही जो है हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है। तो पहले तो हम लोग अल्पकाल में बात करें कि अल्पकाल में जो है हमारे इस प्रकार से AR कर्व होते हैं जो कि ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, और इसके ठीक नीचे MR कर्व होता है। AC कर्व जैसा कि आप शुरू से जानते हैं थोड़ा यू शेप्ड होता है, और ये हमारा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो कि इसको बीच से कट कर रहा है। तो संतुलन के लिए हम लोग जानते हैं कि तीन प्रमुख बातें होती हैं संतुलन में, दो प्रमुख बातें हैं, एक तो MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए, दूसरा MC कर्व जो है वो MR को नीचे से ऊपर की ओर कट करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि MR इज इक्वल टू MC है E पॉइंट पर। तो E पॉइंट पर जब है तो यहाँ पर ये मान्यता लेकर, हम लोगों को एजम्पशन लेकर चलना पड़ रहा है कि जो ये मार्केट में जो ये लोग वस्तुएं हैं वो हैं तो थोड़ी थोड़ी भिन्न, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि उन लोगों का तो सबका जो कर्व है वो इस प्रकार से बन रहा है।
एम आर और एम सी जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो ई पॉइंट, वहाँ पर संतुलन निश्चित होगा और उससे ये निश्चित होगा कि आउटपुट या उत्पादन कितना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ई पॉइंट पर उत्पादन कितना है, ओ और एम, ओ एम आउटपुट हो रहा है। इस पर अगर हम लोग प्राइस डिसाइड करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पर यूनिट प्राइस कितना है ओ पी, और पर यूनिट कॉस्ट कितना है इसको कॉस्ट रेखा से देखेंगे। प्राइस को हमने एवरेज रेवेन्यू कर्व से हमने नापा है कि इक्विलिब्रियम पर एवरेज रेवेन्यू है एम क्यू या ओ पी के बराबर, और एवरेज कॉस्ट कितना है कॉस्ट कर्व के अनुसार वो है हमारा एस एम और ओ आर के बराबर। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ऐसी स्थिति में ओ आर के बराबर कॉस्ट आ रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है हमारा ओ आर वो पर यूनिट प्राइस की अपेक्षा कम है, पर यूनिट प्राइस है ओ पी। और अगर हम लोग इसको टोटल निकालने का कोशिश करेंगे तो टोटल जो हमारा उसको निकालेंगे पर यूनिट प्राइस इनटू जो है इसको अगर टोटल कॉस्ट हम लोग निकालना चाहें तो टोटल कॉस्ट हमारा निकलेगा पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट और उसके उसको जो है हम लोग इनटू कर दें आउटपुट से, तो ओ एम, ओ एम आर एस ये पर यूनिट हमारा, ये टोटल कॉस्ट आ रहा है और टोटल रेवेन्यू आ रहा है हमारा ओ पी क्यू एम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, और जब टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, क्या प्रॉफिट कि फर्म को जो है अल्पकाल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, आर पी क्यू ई के बराबर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्म जो है अल्पकाल में, ये जो हमारा रेखाकृति है ये शो कर रहा है कि फर्म अल्पकाल में लाभ की स्थिति में है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्पकाल में फर्में जो है अपना प्लांट को न घटा सकती है न बढ़ा सकती हैं, तो शॉर्ट रन में जो है उन्हें लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसके ठीक विपरीत हमने जो ये डायग्राम हमारे पास है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है ओ जी और पर यूनिट रेवेन्यू है ओ पी। तो ऐसी स्थिति में फिर जब हम टोटल निकालेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट से तो फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू से इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो जब हम लोग प्रॉफिट या लॉस की स्थिति देखेंगे तो क्या देखेंगे, फर्म को लॉस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, एक में जो है फर्म को लाभ हो रहा है और एक में जो है फर्म को लॉस की स्थिति में है। तो इस प्रकार हमारे पास ये तो शॉर्ट रन में है, तो जो स्थिति बन गई शॉर्ट रन में वो बनी ही रहेगी। फिर हम देखेंगे लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में जो है हमारे पास क्या देखते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कि या तो फर्म या ग्रुप का संतुलन किस प्रकार होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि ग्रुप है फर्म्स का और वो सभी जो ग्रुप हैं उनका किस प्रकार से संतुलन होगा, इसको हमने एजम्पशन यहाँ पर लेना पड़ेगा कि डिमांड और जो ये यूनिफॉर्मिटी का एजम्पशन एक लेना पड़ेगा कि ये माना कि वो वस्तुएं डिफरेंट डिफरेंट बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन मोर और लेस वो जो लोग हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं और वो जो है निकट के स्थानापन्न है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो जो है प्रतियोगी फर्म पे वो प्रभाव डालेंगे। दो कंडीशन होगा कि जो है अगर एक फर्म कोई उत्पादन लेती है अपना प्रोडक्शन घटाने या बढ़ाने का, तो वो जो उसके कम्पिटिटिव दूसरे फर्म्स हैं उस पर वो जो है उत्पादन संबंधी जो निर्णय लेने हैं उन पर वो ज़रूर प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा जो है वो उनको यहाँ पर हम लोग ये चैम्बरलिन खासकर जब इसका विश्लेषण करते हैं, मेनली जो है एक आधिकारिक प्रतियोगिता चैम्बरलिन के द्वारा जो है चैम्बरलिन ने इसका मेन विश्लेषण किया है। तो चैम्बरलिन जो है दो मान्यता लेकर चलते हैं, एक तो मान के चलते हैं कि समानता की मान्यता कि जितने भी सभी फर्मों के जो मांग और लागत जो होंगे वो सभी फर्मों के समान होंगे, और एक दूसरी जो उन्होंने मान्यता ली समरूपता की मान्यता, समरूपता यानी सिमेट्री एजम्पशन।
इसके अनुसार क्या हम लोग मानते हैं कि ठीक है कि वो जो है एक दूसरे के उनका अपने पदार्थ पर थोड़ा सा कीमत पर थोड़ा बहुत नियंत्रण है, लेकिन फिर भी जो है वो उनका इतना इतनी लार्ज नंबर में फर्म्स हैं कि वो जो है दूसरे पर जो है बिल्कुल नगण्य प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जो है सभी का यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक उत्पादक द्वारा जो है कीमत अथवा पदार्थ में परिवर्तन का उसके अन्य प्रतियोगियों पर प्रभाव इस प्रकार फैल जाएगा कि प्रत्येक पर उसका प्रभाव बहुत कम या नगण्य दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था कि फर्में जो है लॉन्ग रन में आसानी से इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकती हैं या निकल के जा सकती हैं, ऐसा एकाधिकारिक प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में संभव नहीं होता है। आसानी से वो फर्में इसको ना तो फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर पाएंगी और ना ही वो इसे छोड़कर जा पाएंगी। तो हम क्या देखते हैं, फिर भी लॉन्ग रन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ कंपटीशन के कारण जो उसके बिल्कुल निकट के स्थानापन्न पदार्थ बनाएंगी लॉन्ग रन में, वो इस इंडस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगी। तो ऐसे फर्म जो कि इस इंडस्ट्री में लाभ को देखते हुए प्रवेश करना चाहती हैं, उनकी टेंडेंसी होगी कि जो पहले से मार्केट में उसके प्रोडक्ट हैं इस इंडस्ट्री में, उससे बिल्कुल मिलता जुलता प्रोडक्ट वो बनाए और वो इस इंडस्ट्री में प्रवेश कर जाए। तो इसका क्या निष्कर्ष हम निकालेंगे कि लॉन्ग रन में जो है इंडस्ट्री में बिल्कुल निकट के स्थानापन्न बनाए जाने की प्रवृत्ति होगी, अगर वो इंडस्ट्री लाभ की स्थिति में होगी तो। अगर उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट की स्थिति है अल्पकाल में, तो लॉन्ग रन में जो है बिल्कुल निकट के बिल्कुल मिलते जुलते पदार्थ बनाने वाली नई फर्में इस इंडस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगी और इस प्रकार जो सामान्य लाभ जैसा कि हम देख रहे थे कि अल्पकाल में मिल रहा था वो इसमें समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, उसको हम ए और एम आर के थ्रू लॉन्ग रन में क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल जो उसका नीचे का पॉइंट होता है वहाँ पर संतुलन होता है और लॉन्ग रन में जो है सामान्य लाभ खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है दो निष्कर्ष हैं इसमें भी फिर से हमारे पास कि लॉन्ग रन में जो है सीमांत आय जो है सीमांत लागत के बराबर होने चाहिए, अर्थात एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए, और औसत आय और जो औसत आय और दीर्घकालीन जो लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व है जिसको कहते हैं हम लोग ए आर और एल ए सी, इसमें ए सी नहीं बल्कि एल ए सी दीर्घकालीन जो लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व है वो एल ए सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए तभी जो है ये लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में। तो आज आप लोगों ने एकाधिकारिक प्रतियोगिता में किस प्रकार से प्राइसिंग होता है और प्राइस डिटरमिनेशन होता है इसके बारे में जाना, और धन्यवाद।